हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना होता है IREL। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके थ्रू यहाँ पर की गई है, रिलीज की गई है। आपको यहाँ पर जैसे कैसे किस तरीके से क्या सारे प्रोसेस होते हैं अप्लाई करने के लिए। ओके ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म कैसे किस तरीके से यहाँ पर फिल करना होती है, क्वालिफिकेशन चाहिए रहता है अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, वो सारी चीज़ यहाँ पर बता दी गई है। एज लिमिट कितना होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, हर चीज़ बता दिया गया यहाँ पर। तो बता देता हूँ यहाँ पर आपको, ये देखे थे IREL इंडिया, इसके थ्रू यहाँ पर की गई रिलीज। अब यहाँ पर आप अलग अलग देख सकते हैं, ग्रेजुएशन ट्रेनिंग, ग्रेजुएशन ट्रेनिंग HR, यहाँ पर फाइनेंस, यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनिंग, यहाँ पर जूनियर सर्विस, यहाँ पर अलग अलग आपको यहाँ पर दिख जाते हैं पोस्ट। ओके 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल वैकेंसी 54। यहाँ पर अप्लाई मोड ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, इंडिया के सारे कैंडिडेट्स। सिलेक्शन प्रोसेस आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा आपका एग्जाम, और तभी आपको सेलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं आपके कितने यहाँ पर 22,000 देख सकते हैं, और 88,000 यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी एज लिमिट जो है 30, ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर्स होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। अप्लीकेशन फॉर्म का फीस लगते हैं, तो यहाँ पर आप वो देख सकते हैं, 400 रुपये, 400 रुपीज़ यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, और यहाँ पर SC ST PH वुमेन मेल के लिए, मतलब यहाँ पर SC ST PH के लिए और वुमेन के लिए पैसा नहीं लगेंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपका 10th 12th कंप्लीट होनी चाहिए, ITI ग्रेजुएशन सब कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट 15 सितंबर 2021 को और 5th अक्टूबर 2021 को, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट और लास्ट डेट यहाँ पर बता दिया गया है। ओके, अप्लाई मोड यहाँ पर ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, और यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया ऑलरेडी, तो आपको क्लिक करना और रिसर्च कराना, और यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट्स यहाँ पर क्लिक करना, अपना यहाँ पर अलग अलग जो भी पोस्ट होगा सेलेक्ट कर लेनी होगी। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, आपका नाम क्या है और डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका यहाँ पर सब कुछ बता देंगे, और इस तरीके से आप सबमिट करते हुए जाएंगे, आगे प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको जो इसमें से कुछ भी डाउट होता है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे कुछ वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।